हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने तीन वीडियोस देख ली थी। अब हम चौथी वीडियो की बढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को और कितने टाइप्स किया जा सकता है और कितने टाइप पॉसिबल होते हैं सारे के सारे। ये हमारा सारा का बेसिक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अपना वही बेसिक फार्मूला जो हमने हर क्लास में पढ़ा हुआ है अपना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 16.25% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 कम है, 12,600 कम है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 13/80 होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमारी परसेंटेज की एक वीडियो है, उसे देख सकते हो। हमारा एक साल का एसआई कितना है? 13 रुपये। ये अपना होता है एसआई, ठीक। एक साल का एसआई इतना, इसमें बोला है कि 4 वर्षों का, तो 4 वर्षों का कितना होगा? 4 वर्षों का एसआई 13 × 52, 52 अपना 4 साल का एसआई होगा। मतलब ये अपना प्रिंसिपल, इसमें बोला है कि प्रिंसिपल से कितना कम? 12,600 कम है। मतलब प्रिंसिपल अपना 80 है, 80 से कितना कम है? 80 से कितना कम है? 52, मतलब कि 28 कम है, ठीक। 28 कम, 28 की वैल्यू क्या दे रखी है? 12,600। देखो 28 की वैल्यू दे रखी है 12,600 और वैल्यू पूछी है उसने 80 की, 80 की वैल्यू पूछी है। 80 क्या करें तो 12,600 अपॉन में 28 इंटू में 80, ये कर सकते हैं अपन 12,680, ठीक। तो पहले अपन 7 से काटेंगे तो 4 बार में, और ये काटा 7 से, 7 कम 7 और 7 × 8 = 56, 1800, और 4 से 80 कट जाएगा 20 बार, तो 20 × 1800 कितना होगा? 36,000। तो ये हो गया अपना आंसर। पहले क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा आपकी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8,400 रुपये की राशि 8.75% प्रति वर्ष पर 11,046 रुपये हो जाती है। 9,600 रुपये की राशि पर ब्याज क्या होगा? ये एक ही समय पर, समय सेम है, मतलब टाइम कांस्टेंट है और रेट भी कांस्टेंट है। ये देखो आप बताओ कि आई किसके इक्वल होता है? पी इंटू आर इंटू टी के। इसमें क्या बोला गया है कि समान रेट, मतलब रेट भी कैंसिल और समान समय, मतलब टी भी कैंसिल, ये दोनों वही कांस्टेंट। तो इंटरेस्ट है जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अपना प्रिंसिपल पे, मतलब इंटरेस्ट का रेशो, इंटरेस्ट का जो भी रेशो होगा वो रेशो शो करेगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का रेशो कितना अपना आप देख सकते हो, 8,400 = 9,600, ठीक। मतलब अपन 2,000 कैंसिल, 12,784 और 12,896, ठीक। 7:8 आ गया अपना प्रिंसिपल का रेशो, और ये सेम रेशो किसका होगा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का रेशो भी कितना होगा? 7:8। पहले ये बताइए, इस पे 8,400 है तो 11,046, मतलब कितना है, कितना रहेगा अपना? 2,640, 2,640। 7 की वैल्यू अपनी 2,640, तो 8 की वैल्यू फाइंड करना। 8 पहले देख सकते हैं आप ना, 7 से कितनी, ये लास्ट यूनिट डिजिट देख लो आप, तो 7 एक और बार देखो, 7, 7, 21, 7, 7, 49 और 7, 8, 56, ठीक। मतलब 1 की वैल्यू 378, 8 की वैल्यू कितनी आएगी? यूनिट डिजिट लो, 8 × 64, मतलब 64, एंड का यूनिट कितना आएगा? 4। तो ये अपना फर्स्ट इज द आंसर, ठीक। आ गया समझ में? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 12,000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 18,000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कर, साधारण ब्याज प्रतिशत ज्ञात करना अपन को, ठीक। साधारण ब्याज की परसेंटेज कितनी होगी अपनी, इसमें देख सकते हो आप,
12,000 3 वर्ष में बढ़कर, मतलब 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना बढ़ा है, 18,000 हो जाता है, मतलब 12 से 18,000, मतलब 6,000 बढ़ा, 3 साल में 6,000 रुपये बढ़ा। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में बढ़ेगा 2,000 रुपये। जो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वही होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आया, एक साल का में 2,000 रुपये, कितने का, 12,000 का, 12,000 इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से 6, 1/6, मतलब 100/6 कितना होता है, 16.2/3% है। ये अपना आंसर हो गया, ये अपने ऑप्शन गलत है, ये अपना राइट आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इन्हें करने का हम एक और दूसरा तरीका देखते हैं। आप देखो, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल रेशो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, और 100 रेशो RT, और ऐसे लाइन खींचना। तो ये क्या मतलब, क्रॉस करके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे लग सकते हैं अपन, क्या आएगा, PRT इक्वल टू SI इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक। तो अपन करके देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से, सी ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे अपन। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना, 8,000 था, 10,000 हो जाता, मतलब कि 2,000 रुपये, 2,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, 100 रेशो RT रेट इंटू टाइम, टाइम कितना अपना 4 इयर्स, 4 इयर्स, ऐसे भी करके देखते हैं। ये 2,000 से ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 से 100 कितनी बार में कटता है, 25, और 4 को 25 काटेंगे तो R बराबर कितना आएगा, 25/4, 25/4 कितना होता है, 6:1/4, मतलब 6.25% ये आ गया अपने। दिस इज आर राइट आंसर। ओके, आप इस वाली मेथड से भी हमारे सारे क्वेश्चंस को कर सकते, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे किए जा सकते हैं इसके द्वारा, और आपको करके दिखाता हूँ आगे। 1,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है यदि समय को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए। समझो, समय 2 वर्ष बढ़ा, ये वाला फॉर्मेट और बताता हूँ आपको। समय को 2 वर्ष बढ़ाया तो कितना, साधारण ब्याज 20 बढ़ा, मतलब पी, मैंने बताया था पी और सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा, डेल आई कर लेते हैं, आई में और 100 रेशो R एज इट इज, साधारण ब्याज रेट चेंज नहीं है लेकिन टाइम चेंज है, डेल टी, ये वाला फॉर्मूला आएंगे अपने इसमें। ओके, देखते हैं अपन, प्रिंसिपल अपना कितना है, 1,000 रुपये, चेंज कितना हुआ, 20 रुपये, और 100 पे कितना है, 2 वर्ष, R इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक, इससे ये कट के 2, 2 से 2 कट के आए, क्या बचा, R का इधर मल्टीप्लाई करेंगे R, और 1 इधर बचा तो 1 का इधर करेंगे तो 1, मतलब R बराबर 1%, ये अपना आंसर आ गया। ओके, R बराबर 1%, मतलब 1% अपनी दर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड, जो इसी पर बेस्ड रहते हैं सारे। 2,000 रुपये की धनराशि राशि का साधारण ब्याज 40 रुपये बढ़ जाता है यदि समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर देखते हैं अपन। सेम फॉर्मूला, 2,000 रुपये की राशि इन्वेस्ट की गई, 40 रुपये बढ़ जाता है, अपना कितना मानते हैं अपन, 100 रुपये मानते हैं, और रेट पता नहीं, और टी है अपना 4 साल, ये लाइन खींची, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 से 40 काटा 2 बार, 2 से 4 काटा 2 बार, मतलब 2R = 1, क्योंकि इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो 2R = 1, मतलब R बराबर 0.5, मतलब रेट कितनी आ गई अपनी, 0.5%, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो समान राशियों को 15% की दर से दो बैंकों 3.5 में 5 वर्ष के लिए जमा किए करवाएगा, यदि दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है हो तो धनराशि बताइए। धनराशि धनराशि बताना है तो कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन। 15% दोनों समान राशि 15% की दर, मतलब रेट कांस्टेंट दे कर दी गई यहाँ पे, दोनों रेट है और 3.5 इसमें भी और 5 इसमें भी, मतलब द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर है 144 रुपये। पहले आया 3.1 था प्रिंसिपल और 3.5 ईयर्स और 5 ईयर्स, दोनों बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज के अंतर कितना है 144, मतलब यहाँ पे कितना अंतर मिला 144 रुपये, मतलब डेढ़ डेढ़ साल में 144 रुपये मिले उसे, यहाँ पे डेढ़ का गैप है डेढ़ साल में। तो आप ये बताइए कि इसमें क्या बोला गया है कि धनराशि, धनराशि बताने के लिए अपन को जाना पड़ेगा, अपन को निकालना पड़ेगा क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए 1.5 साल के ये है तो आप 3.5 साल की बताइए, 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3.5 साल का कैसे करेंगे, जिस पॉइंट से पॉइंट कट गया 5 3 15 और 5 7 35, 3 से 1 8 तो 3 6 12 3 8 24, 48 × 7 करेंगे तो 7 8 56, 6 7 4 28, 28 और 5 23, 236 कितना आया अपना, आया 236 रुपये उसका, उसका 3.5 साल का ब्याज है 236, ठीक 2 साल का ब्याज था और 1 साल का कितना आया था 48 रुपये, 1 साल का ब्याज 48 रुपये यहाँ पे आया था, 3 से 8 तो 48 आया था, मतलब और देख सकते हैं हम 1 मिनट रुकना कि 1.5 की वैल्यू कितनी आई थी 144, तो अपन 1 की देख सकते हैं, तो इसमें 1 के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 144 अपन में 1.5 तो आया तो 10 आएगा, 5 2 10, 5 3 3 से 1 8 3 3 6 12, 12 आया और 3 8 24, 48 × 2 96, 96 किसकी बॉडी हुई 15% की, 15% की वैल्यू 96, 100% की वैल्यू बताओ, 100% की वैल्यू, इसके लिए क्या करेंगे 5 से 1 8 3 और 5 से 1 8 20, मतलब 3 की वैल्यू 96 तो 20 की कितनी, 3 3 9 और 3 2 6 इसके 32 2 640, ये आ गया अपना कितना आया 640, ठीक 640 आ गया। और आप नहीं तो ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको सेम क्वेश्चन करने का, एक और क्वेश्चन तरीका, एक और तरीके से करके देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चंस को एक और तरीके से करके देखते हैं अपन, एक और देखिए, 3.5 साल और 5 साल में ब्याज का अंतर है 144 रुपये, मतलब कि 1.5 साल का अंतर है अपना 144 रुपये, 1.5 साल का अंतर 144 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का कितना होगा 0, तो मतलब 5 से 3 और 2, 3 की वैल्यू ये, मतलब 3 6 12 3 8 4 48, 2 की वैल्यू 96, मतलब क्या कि 96 रुपये ब्याज मिलता है उसे, कितना मिलता है 96 रुपये 1 साल में, 96 रुपये, मतलब वही अपना सेम कि प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं अपन, इंटरेस्ट अपना 96 यहाँ लिखा जाता है और डेट यहाँ लिखा जाता है और आर लिखा जाता है यहाँ, और टाइम अपना एक ही है, ठीक। रेट कितनी, रेट अपनी दी हुई 15%, तो अपन लिख से 15% क्या कर सकते हैं आप, 5 से 3 15 और 5 से 20 काटा, 3 से 96 कट जाए, 3 3 9 3 2 6, तो पी बराबर कितना जाएगा 20 × 32, वही 640 रुपये, तो ये आ गया अपना 640 रुपये, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये भी बहुत इजी तरीका करने का,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 500 रुपये को 2 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों में जमा करवाया गया। यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 2.50 हो तो दोनों बैंकों की दरों में अंतर बताइए। रेट्स में, रेट में डिफरेंस पूछा गया, रेट में डिफरेंस डेला किसमें, रेट में तो प्रिंसिपल 500 रुपये को दो बैंकों में जमा करवाया गया, 2 वर्ष के लिए दो विभिन्न बैंकों में जमा करवा रखा है। तो इसके इसको भी सेम क्वेश्चन करने को भी इसके भी दो तरीके होंगे। पहले तो अपना वही तरीका लिखते हैं कि प्रिंसिपल रेशो टेल आई और 100 रेशो टी इंटू डेल आर। सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल लिखा आपने 500 रुपये, डेल आई लिखा मैंने 2.50, 100 रुपये लिखा इधर, इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष का, और डेल आर ज्ञात करना है मुझे। क्या करूँ मैं, पॉइंट डाटा है 200 आ जाएगा यहाँ, तो 25 सट्टा 200 और 25 से कम 25 10, तो ये 0 से ये 0 कटा, 50 से 100 कटा 2 बार, मतलब डेल आर बराबर 2/8, मतलब 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो ये आ गया अपना 0.25 रुपीज़। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस जानने हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।